हाई एवरी वन वेलकम टू लेक्सप्रैप क्लाड टू थाउजेंड के करंट अफेयर्स ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाई और बहुत बार स्टूडेंट्स ने ये भी कहा इनफैक्ट हमें सुनने में आया स्टूडेंट्स का कह रहे थे सभी लोगों ने कहा कि यार पेपर इजी आ गया पैसेज पढ़ना ज़रूरी था एंड ऑल ऑफ दिस हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा अगर कोई एग्जामिनर आपको किसी एक सेट पैटर्न पर पे पेपर दे रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसी सेट पैटर्न पर पे पेपर को सॉल्व करना है अगर वो लोग क्वेश्चंस के पहले पैथज दे रहे हैं तो ये कभी भी रूल आउट नहीं हुआ था कि आपको पैसेज पढ़े बिना मार्क करना चाहिए क्लार्ट जैसे पेपर में बिकॉज अगेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 2021 में प्रिसाइसली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज फुल ऑफ इट पास्टिव पेपर्स में के एनालिसिस में आप जुड़िएगा हमारे साथ आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में किस तरीके से क्लाट कॉन्स्टिट्यूशन एक सांप की चाल लेता है टेढ़ी चाल लेता है लेकिन ऑल द मोर अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने पैटर्न को उसने चेंज नहीं किया है ऑब्वियसली अगर टू में किसी भी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया सो दैट डज नॉट सिग्निफाई दैट क्लाट इज़ नॉट गोइंग टू आस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनस तो वहीं क्लाट 2024 में क्या किया उन लोगों ने उन लोगों ने आपका टाइम बेसिकली खत क्योंकि आ, पेपर जब डुएबल होता है पेपर आसान होता है और आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आपको समझ में आ रहा है पैसेज तो एग्जामिनिंग बॉडी आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट करने के लिए क्या करेगी तो आपका टाइम किल करने की कोशिश करेगी क्लाट 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर वॉज ऑल अबाउट टाइम किलिंग मतलब जहाँ जहाँ पे आप समय बचा सकते थे वहाँ पे आपको विनिंग एज मिला है ओनली स्टूडेंट्स इसमें एक ही कैच था कि मैक्सिमम अटैम्प्ट जो थे वो चेस करने चाहिए थे क्योंकि एक्यूरेसी तो बनी जाती बिकॉज पेपर जो था लार्जली एक तरीके से कुछ सेगमेंट्स इसके थे जो करे जा सकते थे अब जैसे पहला ही पैसेज हमें देखने को मिलता है ऑन द इवनिंग ऑफ टेंथ जनरल डायर अराइव एट अमृतसर एंड द डिप्यू कमिश्नर हैंडेड ओवर द सिविल पावर टू हिम तो अभी पहले तो बात कर लें कि अगर इतना बड़ा पैसेज हमारे पास जीके में आया उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हम देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देख लें अब जैसे पूछ रहा है कि कौन सा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया है पैसेज में बैसाखी फेस्टिवल एट अमृतसर जलियावाला बाग मसाकर कांग्रेस प्रोटेस्ट ऑफ अप्रैल 19 डॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ अप्रैल 19 अगर आप देखें तो हिस्ट्री में ये सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इट ऐसा एक भी इंसिडेंट हम नहीं कह सकते जो यहाँ पर नहीं हुआ है विच मीन्स इस पर्टिकुलर पैसेज में एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो काम नहीं करेगी तो आपने क्या करना है आपने वापस से पैसेज में आना है General Dyer gave order to fire, and the crowd of the people estimated at anything from 5,000 to 20,000 who were sitting on the ground peacefully listening to mob oratory uh, were fired on them. So, this particular incident is Jallianwala Bagh. And the second is, why did General Dyer order to fire on the crowd? Now, this particular uh, question got useless attention and got useless, you can say, opinions also. बिकॉज एवरीबडी वॉज रेजिंग यू नो ऑब्जेक्शंस इस पर खूब सारे ऑब्जेक्शंस भी रेज किए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक आंसर तो मार्शल लॉ इन्फोर्स करना होना चाहिए जनरल डायर ने ऑर्डर क्यों किया अब आप क्लास टेंथ की, uh, की हिस्ट्री से ये चैप क्वेश्चन है क्लास टेंथ की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है और जो जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं लॉयर्स हैं एडवोकेट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको जो जानते हैं इस चीज को वो ये बताएंगे कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है मार्शल लॉ का मतलब ये होता है रोल ऑफ मिलिट्री रूल ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी कि पूरा का पूरा एक वेलफेयर स्टेट एक मिलिट्री स्टेट में बदल जाता है तो नॉर्मल वेलफेयर स्टेट और मिलिट्री स्टेट में डिफरेंस क्या होता है मिलिट्री स्टेट में सिविल लिबर्टीज जो होती हैं सिविल लिबर्टीज जिसको आप मान लो फंडामेंटल राइट्स वो नहीं होते आपके पास पर मिलिट्री स्टेट डज नॉट अलाउ डज नॉट एंपावर डज नॉट एम्पावर द स्टेट टू किल सिविलियंस डज नॉट एम्पावर द स्टेट टू किल सिविलियंस हाउ यू हैड टू रिलेट इट अगर आप म्यांमार की सिचुएशन को लार्जली देखें तो म्यांमार में आर्मी बंदूक गोली मचलाते जा रही है मार्शल लॉ इन्फोर्स करने के लिए नहीं एनफोर्स करने के लिए पीस एंड सिक्योरिटी को मार्शल लॉ लगा हुआ है तो अगर अनरूली मॉब है अनरूली मॉब यानी कि ऐसी भीड़ है जो कि इकट्ठा हो रही है नियम के अगेंस्ट तो जलियावाला बाग के टाइम पे नियम क्या था कि दो से ज्यादा व्यक्ति टू और मोर पर्सन जो थे एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते थे और अगर टू और मोर पर्सन इकट्ठा होते हैं तो जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको ये आदेश दिए जाते थे कि भीड़ को डिस्पर्स करो यूजिंग एस मच एज नेसेसरी और जलियावाला बाग मसाकर में जनरल डायर के पास जो दो जो दो जनरल डायर हैं एक जनरल डायर वो था जिसको बुचर ऑफ अमृतसर कहा गया और एक जनरल डायर वो था जो जलियावाला बाग में मौजूद था तो जनरल डायर के बारे में पहले तो जान लीजिए यहां पे दो जनरल डायर हैं दोनों के कंटेक्ट में है एक ने आदेश जिसने दिया था गोली चलाने का और जिसने गोली चलाई तो जनरल डायर को आदेश मिला था गोली चलाने का वहां पे और ये सूचना थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बैसाखी फेस्टिवल में भीड़ है तो वहां पे कांग्रेस या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं मास मोबलाइजेशन करेंगे क्योंकि यही तरीका था महात्मा गांधी का कि हमारी कल्चरल सेटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स को पकड़ के मास मोबलाइजेशन करो अब इतना डिटेल में आपको आपका हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए सो एज टू एबल टू आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन बट ट्वेंटी सिक्स प्राइमर फीसाई अपने को एनफोर्स है मार्शल लॉ लगेगा लेकिन मार्शल लॉ के एनफोर्समेंट में गोली चलाना नहीं होता है गोली चलाने का आदेश मार्शल लॉ के अंडर नहीं दिया गया था to bring the crowd under control to scatter the crowd to teach the crowd a lesson now agar dispute lena hi tha to the reason was to scatter the crowd to scatter the crowd but then the answer that they clad consortium provided was to teach the crowd a lesson so i will say that chaliye maan leta hu main ki 26 question jo hai उसमें आपको minus पॉइंट जीरो पॉइंट टू फाइव मिला बट आई थिंक प्लस वन मिला आपको जब आपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव किया तो अभी हम ये देख रहे हैं पेपर को एनालाइज करके कि कितने क्वेश्चन हमें प्राइमाई डायरेक्टली मिल सकते हैं इन द लाइट ऑफ द अब पैसेज वॉज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इसके लिए अपने को पैसेज पढ़ना पड़ेगा अभी अपन ने पैसेज नहीं पढ़ा है आफ्टर द इंसिडेंट हु हेल्प द इंजर्ड एंड द डाइंग पीपल जाहिर सी बात है द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द आर्मी द पुलिस तो ये तो बिल्कुल ही अपन ऑप्ट आउट कर सकते थे लॉजिकली सम पीपल हु लिव्ड नियर बाय लोगों ने ही लोगों की मदद की होगी वट वुड बी द फीलिंग ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन अप टू द स्पॉट ब्रॉट चिल्ड्रेन इंडियन चिल्ड्रेन अप टू द स्पॉट अब इसी में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए शहीद भगत सिंह की कहानी के ऊपर भगत सिंह वॉज डीपली डिसहार्टेंड बाय दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड ही वॉज अ जस्ट अ चाइल्ड एट दैट टाइम सो बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश रूल इज समथिंग दैट विल गेट प्रोवोक्ड सो इट इज प्लस वन अगेन इट इज प्लस वन वट वॉज द नेम ऑफ द जनरल डायर ऐसे क्वेश्चन को डू नॉट अटैम्प्ट डू नॉट अटैम्प्टीज क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकेंड टाइम दैट सच अ क्वेश्चन हैज बीन आस्ट जहाँ पे नाम पर इतना फोकस किया है जैसा कि क्लाट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में किया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया था और उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट के नाम के साथ साथ स्पेलिंग है यानी नेम्स जो होते हैं वो एक रेकरिंग सीरीज हमारे सामने क्लाट में बनती है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में जो भी क्लाट अपियर कर रहे हैं फालतू की मिथ्स में ना आए पेपर बहुत ही सीधा सरल होता है अब आपने देखा कि अगर हम कॉन्ट्रोवर्शियल को भी इंक्लूड कर लें और पैसेज को ना भी पढ़ें तो हम तीन मार्क्स जो हैं थ्री क्वेश्चन जो हैं वी कैन अपेरेंटली डू करेक्ट थ्री क्वेश्चन हमारे सही हैं और एक क्वेश्चन डाउट की वजह से अगर गलत हो रहा है तो टू भी 2.75 मार्क्स लेके हम यहाँ से प्राइमर फिसाई निकल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को करने के लिए और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स को करने के लिए हमें मे बी पैसेज पढ़ना पड़े पर अगर एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा तो अभी रुकेंगे लेट्स कम टू टू द पैसेज पैसेज नाउ इज रिस्पेक्ट हमास हमें पहली लाइन से समझ में आ जाता है और लार्जली uh, अगर हम यहाँ से देखें तो हमास लेड अटैक सात अक्टूबर का जो अटैक हुआ इसराइल डिकलेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर ऑन एट अक्टूबर एंड इट्स रिस्पॉन्स टू द अटैक हैज सीन सिग्निफिकेंट मिलिट्री एस्केलेशन इन द रीजन सिंस द योम के पोर वॉर right so israel or hamas ka war hua, without reading the passage first of all we will try to identify what questions could have been done in five minutes to save our time what was the reason for hamas-led palestinian militant attack on israel now look at this particular way the clat is asking questions the clat is simply saying hamas-led palestinian militants attack on israel Ka reason kya tha so we'll try to look at the options टू रिटालिएट अगेंस्ट इजरायली सेटलर वॉयलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस टू इन रिस्पॉन्स टू देशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ द वेस्टर्न वॉल अब वही बात है कि अगर करंट अफेयर्स को पढ़ोगे तो दिस है वेरी ओल्ड न्यूज डेसिक्रेशन ऑफ द वेस्टर्न वॉल ऑफ टेम्पल माउंट ऑल ऑफ दिस वॉज देयर द ट्रिगर पॉइंट वॉज देयर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन

मिलिटेंट्स जो हैं इसके अगेंस्ट क्यों करेंगे भाई मिलिटेंट्स तो फेवर में होंगे ना पेलेस्टीनियन सेटलमेंट्स के वेस्ट बैंक में अगेंस्ट में क्यों करेंगे तो सी एलिमिनेट हो जाता है टू सी कैन एंड टू द गाजा स्ट्रिप ब्लॉकेड एंड पॉइंट ए नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द न्यूज दट दिस पर्टिकुलर फैक्ट है इट इज बिकॉज ऑफ द वॉलेंस दैट इसराइली डिफेंस गार्डस आर डूइंग कमिटिंग अगेंस्ट इसराइली सेटलर्स

यस yes, आप एक महीने में दो महीने में मे बी करंट अफेयर सारा कर लें बट आपको इतनी डिटेल और इतनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स का आइडिया नहीं लगेगा बिकॉज आपका ता, उस टाइम पे फोकस होगा मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने का ना कि चीजों को समझने का करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करने से ये फायदा होता है दो टॉपिक्स को आपको पर डे हमारे साथ जुड़ के क्लाइट में करना है उसका फायदा आपके साथ ये होता है कि आपको हर टॉपिक के बारे में फ्राम वन एंड टू एट दर एंड पता चलता रहता है और स्लोली स्लोली आप उसको रिकॉल मेमोरी में डालने लगते हो तो फॉर एक्जाम्पल अगर आपकी थ्री हंड्रेड डेज क्लासेस चलती हैं तो थ्री हंड्रेड डेज में अगर एवरी डे दो टॉपिक हमारा होता है तो सिक्स हंड्रेड टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं एंड दैट्स इट

So, that is where you save time, and it's not important that for this particular question sets you actually had to read the passage. So, you see, we have already taken plus one and plus one here. Which of the following is not true about the historical context of Israel Hamas conflict? Not true about his uh, historical context of the Israel Hamas conflict. What is the history of Israel Hamas conflict? So, let me tell you this particular thing. स्टार्टेड इन द 1920 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दर्की बैल फॉर डिक्लेरेशन फॉलोड बाय दिस व्हाट हैपेंड 1948 में पहला वॉर हुआ 1956 में सुएस कैनल क्राइसिस हुआ 1967 में सिक्स डे अरब वॉर होता है 1973 सेवेंटी थ्री में योम किपुर वॉर होता है एंड आई हैव टॉट दिस टू माय किड्स एग्जैक्टली ऐसा सीरीज में लिखवाया है में लिखवाया है तो ये चार वॉर होते हैं उसके बाद अभी फिफ्थ वॉर जो हुआ है उसको कहा जाता है सेकेंड तो के पूर्व वॉर जो कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स डाउन द लाइन 2023 में हुआ है सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इसराइल हमास और 1973 के योम के पूर्व वॉर के बाद ऑस्लो एकॉर्ड जो थे जब साइन होते हैं उसी के दौरान हमास एक टेरर आउटफिट की तरह आता है रजिस्टेंस आउटफिट की तरह नहीं रेजिस्टेंस फोर्स की तरह आता है और 2008 में पहली बार इलेक्शन करा के जीतता है अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है जरा स्टेटमेंट ए को ध्यान से देखिए द पेलेटीनियन रेफ्यूजी स्टार्टेड सेटलिंग अंडर ऑटोमन रूल इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी डियर इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी टॉक अबाउट अबाउट इट्स टॉकिंग एंड ऑटोमन रूल हैड आफ्टर वर्ल्ड वॉर है सो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी स्टार्टेड सेटलिंग अंडर ऑटोमन रूल अंडर ऑटोमन रूल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है दूसरा पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की बात कर रहा है जो कि अपने आप में गलत हो गया पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है वो 1948 में इसराइल के स्टेब्लिशमेंट के साथ खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पे टू स्टेट सोलूशन जो है वो अग्री कर लिया जाता है एक तरीके से और 1967 के वॉर के बाद ये ऑफिशियल पोजीशन थी कि पैलेस्तन और इसराइल बन चुके हैं पेलस्टीन का सिर्फ इतना कहना है कि 1967 के पहले जो मेरे पास टेरिटरी थी प्लीज़ रिटर्न इट बैक टू मी सो अगेन पैलेस्टीनियंस बिकमिंग रेफ्यूजीज इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाई इट्स इन इट सेल्फ फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है आपको स्टेट पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमास इमर्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट इंतफादा दैट्स वेरी करेक्ट हमास वॉज फॉर्मुलज इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट वी हैव अ डाउट ऑन दिस बिकॉज इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट इंतफादा वॉर द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली रूल एंड दैट्स ऑल्सो करेक्ट now if you are confused between a and c for say a is more incorrect and that's that's the correct answer again you will get a plus one here see this is the importance of reading newspapers and preparing current affairs on a daily basis then only you will be able to reach to this particular kind of accuracy where you are only eliminating what was the response of the israel military to the hamas led attack Declared a state of war, it is directly given in the passage and launched a ground invasion. This is directly given in the passage. But then that's the obvious outcome we are expecting. Conducted an aerial bombardment campaign only. No. They are planning to they were planning to invade uh, Gaza Strip by creating a blockade. Asked for international intervention? No. Israel did not ask for any country's intervention. Israel asked that if you are true with the cause, come and be a part of it. So America, because it's it, Israel is its natural ally in the Mediterranean Sea region. Israel is that country that will provide America the sense of commercial security in the Red Sea trade, and that is why America and Israel becomes natural allies for this. So Israel did not ask America to come and support. America and UK are coming on their own because they are natural allies in that particular region. Captured and imprisoned the militants responsible. This is completely Bakwas out of context, and that is why you don't read, need to read the passage. What is the current hostility known as the Gaza Israel conflict? This is obviously the fifth war from this particular information that we I had already told you. These are the official wars. Now, which among the following does the current Gaza Israel conflict resemble? Directly given in the passage, also, and you will find that it is Yom Kippur War. So this was one such passage where in fact you don't have to read even any question and this was this very obvious that it is going to be there in this particular year and you see five marks are easily derivable from this. So if I consider that you have not read the passage and you are looking at the questions you are reaching somewhere around 7.75 marks out of two passages that's the least that you should get right. Moving to the next part now this is the a uh, passage where uh, chandrayaan 3 was there and again it was a very expected topic it it was not like unexpected season. it is chandrayaan 3 ke upar hai, because as we will india has become the fourth country in the world to touch the surface of the moon right i have seen on the photo in which our moon lander has firmly set its foot on the moon like angad pragyan and all of this extracted from the speech made by prime minister sri narendra modi on the occasion of landing chandrayaan 3 नाउ वेन चंद्रयान थ्री हैड लैंडेड यू मस्ट नो यही ये भी न्यूज़ का कमाल ही है कि इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे आपको ये बात पता होनी चाहिए ठीक है और ये न्यूज़ में चल रहा था वहीं पे जाके उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में ही हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी से बात करी थी और उनको प्रोत्साहित किया था मोटिवेट किया था और कहा था कि अब ये मिसाल की तरह आएगा क्योंकि इसी के कुछ दिनों पहले इंडिया जब अमेरिका गया था तो उसने आर टेम एस पर भी सहमति दी थी तो आर टेम एकॉर्ड में एक नया एक तरीके से यू कैन से नया टेक्नोलॉजी फ्रंटियर ऐड हो रहा है इंडिया के इस अचीवमेंट के साथ तो इन वॉट डिड इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड सेंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट टू द मून लैंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून लैंडिंग अ मैन ऑन द मून लैंडिंग अ मैन ऑन द मून जो है वो नहीं सही हो सकता वी एलिमिनेटेड क्रैश लैंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट नहीं लैंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून प्लस वन डायरेक्ट मिलेगा बिना पैसेज को पढ़े वॉट इज द रोल ऑफ प्रग्ञ नाउ सी हाउ एलिमिनेशन टेक्नीक विल हेल्प यू हियर वेरी सिंपल एंड लॉजिक दैट मेक्स सेंस ठीक है लॉजिक दैट मेक्स सेंस यू आर गोइंग टू पिक इट अप नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रज्ञान टू मूव अराउंड द मून लिविंग फुटप्रिंट्स मतलब ऐसे ही आपने एक रॉकेट uh, एक लैंडर uh, भेज दिया एक रोबोट भेज दिया जस्ट टू मूव अराउंड द मून डज इट मेक एनी सेंस डज इट मेक एनी कंप्लीट सेंस इट मेक्स सम सेंस डज इट मेक एनी कंप्लीट सेंस फॉर दैट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन टू टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द मून वाइल्ड मूविंग ंग एंड दैट इज ऑल्सो मैंशन इन द पैसेज एज वेल इफ यू सी बट देन आई एम सीइंगज तो पढ़ा ही नहीं अपन ने शोइंग दीज पिक्चर्स टू द वर्ल्ड विच पिक्चर्स जो खींची नहीं तो ये एलिमिनेटेड टू रिकॉर्ड लेजर रेडिएशन लेजर रेडिएशन नहीं करने गए हैं येस दे आर गोइंग टू स्टडी डू सम रेडियो मेटरी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द सॉयल ऑफ मून टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉयल ऑफ द मून बट दिस इज टू रिकॉर्ड द लेजर रेडिएशन देर इज़ नो लेजर रेडिएशन फ्रॉम द मून सो टू ऑप्शन आर एलिमिनेटेड वी आर कन्फ्यूज विथ ए ए एंड बी नाउ यू सी एट लीस्ट टेकिंग फोटोग्राफ्स बिकॉज दैन द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ द मून दैट वॉज टेक एन प्लीज स्माइल आई एम हियर करके इस तरह से न्यूज़ भी आया था एंड दैट इज़ वाई B becomes a very valid option that is making some sense. That right? okay, Pragyan is uh, uh, Vikram the lander, Pragyan the rover, Pragyan is the robot that is moving and clicking photographs of the subsurface of the moon, how Earth looks from the moon, and all of that. So this was the initial idea. The role of the Pragyan. Name one institution that played a major role in bringing India to the forefront in this. One institution that played Ingi in India to the forefront now look at the nature of this particular question now in this one institution to bring india to the forefront is like every 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 institution has brought india to the forefront but then if you notice tata this is private reliance this is private we we have isro which is a department with uh, it's a, one of the autonomous bodies with under supervision of ministry and indian oil corporation is a psu so ऑब्वियसली चंद्रयान के ऊपर बात हो रही है तो यह भी पैसेज पढ़े बिना हमें सीधे सीधे प्लस प्लस मिलेगा मिलेगा। पे ऊपर वाले में भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस मिनिस्टर एड्रेस दिस टू नाउ इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर विद यू कुड लेफ्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज फॉर दिस यू नीड टू रीड द पैसेज बिकॉज what is the speech what is the components of the speech and everything you will have to read the passage which of the following countries in the world uh, had touched the surface of the moon so it is it is basically america russia china all of this now the point is russia russia is there usa ussr china india usa russia china india now you please notice that russia Russia was created in 1991 and before that it was U.S.S.R and whatever expeditions happened in 1970s that is uh, there was a sp space race during the cold war period after the world war II had ended 1960s or 70s ke daur mein. In 1960s only we also started with Inkospar in 1962 which later on became ISRO and Jawaharlal Nehru is credited.

सो ए हैपन्स टू बी द करेक्ट आंसर थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करना था और आपके पास जब टाइम की कमी रहती है तो आप ऐसी बारीकी को मिस कर सकते हो झटके झटके में राइट सो अगेन यू फिल फाइंड इफ यू लीव आउट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी है पैसेज वी आर स्टिल एबल टू गर्नर वन टू थ्री फोर एंड फाइव मार्क्स अगेन आउट ऑफ दिस एंड इफ यू एट सेवन पॉइंट फाइव में फाइव यू विल गेट समवेर अराउंड 12.5 uh, marks. Now coming to the next passage, which was a very easy passage, the moment we see 18th G20 summit will meet in September 9, National Capital Delhi. We got to know that it is about G20. Right? Now you see the group of 20 countries comprises 19 countries and European Union. Members represent 85% of the global GDP, 75% of the global trade, and two-thirds of the world population. Right.

वो आपसे जनरल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं चाह रहे हैं राइट इन दिस अगेन इट इज वेरी साइलेंट द पैसेज इज वेरी साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट जी ट्वेंटी इज एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इट इज आस्किंग यू वट द जी ट्वेंटी फोरम इज फॉर नाउ अगेन दिस पर्कुलर क्वेश्चन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन डिस्प्यूटेड वन ऑल द मोर क्रिएटेड बाई कोचिंग इंडस्ट्रीज बिकॉज दे आर मार्किंग ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ दी अलव एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो दैट इज वेयर इन्फॉर्म्ड आई मीन एवरी थिंग दैट गोज ऑन इन यूट्यूब एवरीबडी दैट इज टॉकिंग अबाउट दे आर नॉट यूजअली करेक्ट है ना जरूरी नहीं है कि वो सही हो अब देखिए ये क्वेश्चन में डाउट ही नहीं रखना चाहिए था अपने को सीधा इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुद्दा था क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लार्ट अराउंड 2017 या 2018 के आसपास में ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लाट ने जी ट्वेंटी के ऊपर पूछा हुआ है और उसमें बताया था क्वेश्चन भी ऐसा पूछा था कि किस इनमें से किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या फोरम को बनाया गया है बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड ऑप्शन था जी सेवन जी ट्वेंटी इस तरीके से उसके आंसर जी ट्वेंटी था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ़ करंट अफेयर्स हमें बताता है कि एग्जामिनिंग बॉडी की एक्सपेक्टेशन क्या होगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और देखिए अभी ये ट्रेंड बहुत बहुत फिक्स हो चुका है कि वो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पूछता है यानी अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर आयरेना इज नोन फॉर तो ये जानना चाहता है कि ये इंटर गवर्नमेंटल है यूनाइटेड नेशन ड्रिवन है ऑटोनॉमस है इंडिपेंडेंट है ट्रीटी uh, बेस्ड है या क्या है तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे उसका बहुत फोकस रहता है और ये हर साल रहता है एवरी ईयर इट इज़ देयर Now, if you are not satisfied with this explanation, you can also choose elimination method. For international peace and security, there is only one body, United Nations Security Council, and no other body has the responsibility for international peace and security. Third is international cooperation for combating money laundering. Financial Action Task Force is already there, and obviously, two parallel institutions will not be created for uh, current. Uh, I mean, for handling international matters. So, if already FATF is created and we have studied the blacklist and the grey list and Pakistan can being continued in the grey list, opted out from blacklist in 2018 and whatnot, why would G20 become a forum? नाउ द कन्फ्यूजन वॉज दट जी ट्वेंटी में सभी मुद्दों के ऊपर बात होती है सर जी ट्वेंटी में रशिया यूक्रेन के ऊपर बात करी इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर बात करी एंड एवरी अदर ऑर्गेनाइजेश डाउट दिस पर्टिकुलर डाउट इज इनवैलिड जी ट्वेंटी में सभी आस्पेक्ट्स पर बात होती है बिकॉज कोविड हो रशिया यूक्रेन वॉर हो इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो एनी थिंग यू टेक हैज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस In fact, the TIDDA attack that happened at one point of time in in, in 2000 and I think it was in 2021, the TIDDA attack that came and it came all the way from Africa towards India also had some economic shocks for which discussion was being done in World Health Organization, how it is going to affect food security. This was being discussed in Food and Agriculture Organization. Whether these countries need some sort of assistance financially was being discussed by World Bank. And how can we eliminate these pest attacks and all of this was being also discussed in World Health Organization. So it's like G20 is a forum that that but tries to build consensus of bigger economies on international issues which are affecting each and every country, member country. So that was that was the set I mean that is where the dust is settled, and it's not a controversial question. It's a direct question, plus one basic question though, Galat nahi tha A is the correct answer.

साथ इंटीग्रेटेड कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है इजिप्ट की बात करें तो ये अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट नेशन है और अफ्रीका में ऊपर अगर इजिप्ट है तो नीचे साउथ अफ्रीका है रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज साउथ कोरिया नाउ पूछ रहा है विच द फॉलोइंग इज नॉट ए एंड सी दिस इज द ट्रिकर क्वेश्चन दिस इज द ट्रिक ओके सो प्राइमर फिसाई ये क्वेश्चन अपने को झटका देगा एकदम से कि यार ये कैसा सवाल आ गया एकदम से दिमाग लगाना पड़ रहा है बट मेक्सिको टर्की को हम नहीं मार्क कर सकते बिकॉज मेक्सिको टर्की हमें दिखाई दे रहा है कि इंक्लाइंड है यूरोपियन यूनियन एंड ऑल की तरफ अब साउथ कोरिया की बात करें तो ये यूएस से रिलेटेड है और इजिप्ट थोड़ा सा उस पर आता है इजिप्ट को इम्पोर्ट डिपेंडेंट है उतना एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं है एंड ऑल ऑफ दिस तो इजिप्ट मार्क कर देंगे गैस वर्क लगा के एलिमिनेट कर देंगे और आपको यहां पे प्लस वन मिल जाएगा एट एवरी जी ट्वेंटी सबमिट द होस्ट कंट्री इन्वाइट कंट्रीज

इटेड अरब एमिरेट्स नहीं है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इनवाइट किया गया था इसराइल इज नॉट अ पार्ट इसराइल को भी इनवाइट करने की बात चल रही थी बिकॉज इंटरनेशनल जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसमें सभी कंट्रीज को हमें प्रेजेंस चाहिए था अब इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे अपने को श्रीलंका इजिप्ट यूएई, ए मॉरिशस नेपाल बांग्लादेश इजिप्ट नीदरलैंड्स, भूटान मॉरिशस नाइजीरिया ओमान बांग्लादेश सिंगापुर स्पेन नीदरलैंड्स और श्रीलंका इजिप्ट यू मॉरिशस अगेन अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आपने न्यूज़ पढ़ रखा है और आपको बैकड्रॉप समझ में आया हुआ है तो ये चीज़ क्या हो सकती है आपके लिए काफ़ी सरल हो सकती है एंड ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है अब जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको नीदरलैंड्स और नीदरलैंड्स दोनों तरफ दिखाई दे रहा है यू लुक एट दिस नीदरलैंड्स एंड नीदरलैंड्स ना यूल यू माइट बी वंडरिंग दैट नीदरलैंड्स को अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर दिया है अब आपको बस एलिमिनेट एलिमिनेशन करना था देखिए यूनाइटेड अरब को मैंने कहा है तो यूए सिर्फ अपने को डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है लेकिन डी ऑप्शन में एक कंट्री और है जो श्रीलंका हमें दिखाई दे रहा है श्रीलंका ने एक मदद मांगी है पैरिस क्लब कंट्रीज और ये सब था तो श्रीलंका को क्यों इन्वाइट करेगा जस्ट बिकॉज इंडिया का नेबर है नहीं श्रीलंका थोड़ा सा चाइनीज साइड पे है तो जी ट्वेंटी में उसको बुला के और वाद विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो इस वजह से डी एलिमिनेट हो जाता है नीदरलैंड्स की वजह से ए एलिमिनेट हो जाता है नीदरलैंड्स की वजह से एलिमिनेट हो जाता है लेकिन अब पॉइंट आ रहा है कि यार बांग्लादेश नेपाल इजिप्ट अब नीदरलैंड पे हमने फोकस किया कि नीदरलैंड दोनों जगह पे है ज़रा ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा इजिप्ट इजिप्ट दोनों जगह पे है है ना फिर आपको दिखाई देगा अच्छा यहाँ पे भूटान है फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पे बांग्लादेश है तो अब हम सेफ बैट खेलते हैं सबसे पहले कि बांग्लादेश को बुलाया था बांग्लादेश को बुलाया था सिंगापुर को भी बुलाया था बांग्लादेश को भी बुलाया था सिंगापुर को भी बुलाया था और भूटान को तो वैसे नहीं बुलाया था तो बी एलिमिनेट हो जाता है नेपाल को बुलाया था कि नहीं बुलाया था अगेन दैट कम्स इन टू माइंड कि यार नेपाल इंडिया के देखिए रीजन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर उन नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर बात हो रही तो आपको कुछ नहीं पकड़ना था बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था ये अब हमने नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स कॉमन निकाला और हमने यहाँ पे श्रीलंका की वजह से डी एलिमिनेट कर दिया ऑलरेडी अब हमारे को फंसा रहा है कोई कोई कंट्री फंसा रही है तो अब फंसा रही है क्या नेपाल बुलाया था भूटान बुलाया था अब इनमें से क्या है तो श्रीलंका की वजह से ये एलिमिनेट हो गया अब आपको सिर्फ फोकस करना था इंडिया के इस पर्टिकुलर सेट पर कि इनमें से कौन से नेबर्स नहीं बुलाए गए थे एंड दैट सेट So, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ट्रिकी है नेसेसरी टाइम जा रहा है तो आप इसको लीव करिए फिलहाल के लिए ऐसे सर्कल मारने का और आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है आपको प्राइम फिसाई इतना करने का तो इस पर्टिकुलर पैसेज में हमें सीधे सीधे एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो फंसेगा अब एलिमिनेट कर देंगे आप तो आप एलिमिनेट कर देंगे यार नेपाल को नहीं बुलाया भूटान को नहीं बुलाया श्रीलंका को नहीं बुलाया तो बचता है हमारे पास सीधे सीधे सी बांग्लादेश और वो अपने लिए करेक्ट आंसर हो जाता है अगेन आपको प्लस वन मिल जाएगा इस पैसेज में आप फिर से ध्यान से देखिए बहुत आसानी से बहुत आसानी से आप एक दो तीन चार पाँच मार्क्स जो हैं प्लस फाइव कर सकते थे और आप लगभग लगभग साढ़े मार्क्स पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं बिना पैसेज को पढ़े बिना पैसेज को पढ़े तो कोई मुझसे ये बोले कि सर इस बार ने पैसेज पढ़ना ज़रूरी हो गया था और मेरा जी में बीस मिनट लग गया पच्चीस मिनट लग गया पैसेज पढ़ने की वजह से तो मेरी भाषा में आपकी लैंग्वेज में बोलना तो नहीं चाहिए थोड़ा अजीब लगेगा सुन के मैं इसको बकचोदी कहूँगा बकचोदी इसलिए कहूँगा क्योंकि ये ये हो ये होता ही है हर बार ऐसेस नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को अपनी दिक्कत को अपनी चीज़ को और ब्लेम कर रहे हैं एग्जामिनिंग बॉडी पे ऐसा मत करिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला हिसाब कभी नहीं करना चाहिए आंगन हमेशा टेढ़ा ही रहेगा तुमको नाचने आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे सत्रह नंबर निकाल लिए सीधे कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करके बिना पैसेज को भी पढ़े कौन बोला कि पैसेज पढ़ना ज़रूरी था मैं तो कह रहा हूँ कि पैसेज पढ़े बिना भी जी के करी जा सकती थी पैसेज पढ़ते पाँच मिनट दस मिनट थोड़ा ओवर द टॉप लगता लेकिन क्लाड कंसोशन यहीं खेल जाएगा आपके साथ और ऐसे ही खेला उसने आपका टाइम ख़राब किया उसने और आपने अपना टाइम बशरते यहाँ पे 20 मिनट लगा दिए जीके में तो आप वैसे भी रेस के बाहर हो गए क्योंकि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा जो मारे आपने पाँच मिनट एक्स्ट्रा जो मारे उसी में आपको क्यूटी के तीन चार सवाल तीन चार मार्क्स निकालने थे तो बड़ा ही नैरो मार्जिन हो जाता है मतलब एटीज़ में जो बच्चे फंसे हैं जो बच्चे एटी वन एटी टू एटी सेवेंटी एट इस तरह वाले स्कोर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या चैलेंज है उनके लिए यही तो चैलेंज था इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो घंटे में आपका पेपर नहीं आता था इसलिए बायस हुआ मेन लॉजिक समझिएगा इतना करंट अफेयर्स का एम्बिट आपने एक महीना दो महीना में जो खींचा अगर आप उसको साल भर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को खींचें प्रॉपर मेंटोरशिप लें प्रॉपर गाइडेंस लें और जितना बताया जाए उतना करें तो आपके लिए ये सब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा एटलीस्ट ऐसे पेपर में तो सभी कुछ करना चाहिए सब डूएबल था तो करंट अफेयर्स इज अ सेगमेंट जो स्टूडेंट्स इग्नोर करके चलते हैं जो लोगों लगता है कि बाद में करेंगे करंट अफेयर्स ऐसा है कि इस पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस देते हैं फालतू की चीज़ों पे रिसर्च करते हैं इन डेप्थ चले जाते हैं एकदम मुद्दे के ये अपने मेंटोर्स को करने दीजिए ये मुझको करने दीजिए Give me that kind of opportunity and time where I can tell you the depth of the particular topic. Otherwise, current affairs is very prime office. Now, passage number nine was such that where political theory is asked. Now, you please understand this that this is a CLAT paper, law ka paper. How can you ignore the polity aspects? You cannot ignore the polity aspects. You cannot ignore constitutional knowledge. You have to primarily study. And that is why in our classes, with clat mini, we provide classes on indian polity. we provide classes on indian economy. we provide classes on modern history. these are the three subjects without which you cannot proceed in your clat exam. and that is the static component that you have to do. you have to cover these static subjects first to prepare for your clat examination. and clat mini, in clat mini, i am focusing on these subjects as well. Because they form the basis on which your entire current affairs is dependent. Now, if you look at this particular passage, yes, it was important for me and you to read the passage to be able to answer these questions. But what is the life of contradictions referred to here? Let's not do it. What will happen according to B.R. Ambedkar if we continue to deny equality in our social and economic life? Now, according to B.R. Ambedkar, just eliminate it. If we continue to deny the equality in our social and economic life, what will happen? There will be no injustice eliminated. Our political democracy will be in danger. Dot equality in social and economic life will be achieved. Nevertheless, quite contradictory. Our social and economic life will be in peril our social and economic life will be in peril means peril means dangers our social and economic life if you deny equality if you deny equality the concept of pluralistic society where each opinion each thoughts are respected will not be there so that is why uh, justice is threefold social economic and political and equality is twofold status and opportunity एंड अल्टीमेटली वी नीड टू सिक्योर द पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इफ यू विल से जाति 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 के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते या चुनाव में वोटिंग जो चल रही जात के आधार पे चल रही तो सोशल डिसहारमोनी गरीब गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है इकोनॉमिक इन तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है डेंजर में चला जाएगा मतलब बिना संशय के हमारे मन में यही बात आती है कि ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कॉमन प्रूडेंस लगाएंगे और करेंगे आप नहीं लगा सकते अगर आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है सो लेट्स फिल दिस पर्टिकुलर गैप फॉर 2025 व्हाट माइट बी द कॉज अकॉर्डिंग टू बी आर इफ थिंग्स गो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नए संविधान में अगर चीजें गलत हो जाए यानी हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गलत चीजें हो जाए तो क्या होगा दैट द दैन कॉल्ड अपॉन टू वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन वर गुड एप्सोलूटली नॉट

Right. What does the word social democracy means? Again, it was a very controversial question. Social democracy means that there is no discrimination. Social democracy means that there is no discrimination in society. That is social democracy, right? And uh, where you are allowed to participate in political process, you are allowed to take study uh, in government educational centers. You are allowed to take government health benefits public benefits you are allowed to sit in the same train in the same coach and the same berth all of this so it simply means that there has to be equality in your social life when it comes to the concept of social democracy and that is where c will become answer now the to 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 have a sense of uh, let's say a doubt if you were confused between b and c then that's a valid doubt equality of opportunity status and opportunities that's the kinds of equality we talk about right so social economic and political justice we talk about not equality so that's the kind of confusion if there is it would be said to be a valid confusion now if clad consortium had to change any answer they had to be very precise with respect to question number 50 but then you see they did not consider that particular ruckus and debates and they did not change the answer so pretty much valid वेन डेड कॉन्स्टिट्यूशन टर्न आउट टू बी अ गुड खराब कॉन्स्टिट्यूशन कब सही हो जाएगा जब लोगों के लिए काम करेगा वेन द पीपल कॉल्ड अपॉन टू वर्क इट आर बैड वेन दीपल कॉल्ड अपॉन टू वर्क इट आर गुड यस दैट इट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वॉट डॉक्टर अंबेडकर फील लाइक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्टी टू के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा फिफ्टी वन फिफ्टी फोर्टी नाइन एंड 48 के लिए पैसेज हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा प्लस 4 अगर हम कर तो ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव मार्क्स हमने बिना पैसेज पढ़े ले लिए और पैसेज पढ़ के आपको आराम से यहाँ पे फोर मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि चार क्वेश्चन हमने पैसेज के लिए सर्कल सर्कल में मार्क कर रखे हैं यानी कि अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करें तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से आराम से बहुत ही प्यारे तरीके से आप 25 मार्क्स तक फेच कर सकते थे 25 मार्क्स के नीचे आपका जीके में कुछ भी आया है तो आपकी वही कमी है प्लीज ज्वाइन करिए क्लाइट मिनी प्रोग्राम को समझ में आएगा आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं डे वन से हम लोग सीरियस हमारे करंट अफेयर्स और हमारी अप्रोच को लेके और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा 25 मार्क के नीचे अगर आपका क्लैट 2024-5 के जीके में आया है ट्वेंटी 24 के जीके में आया है तो याद रखिएगा आप सेम मिस्टेक अपने क्लैट 2025 में भी करने वाले हैं और तब पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो इस बार बेटा जब तुम दिसंबर को पेपर देके एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले थे तो तुमसे बेहतर वो कोई नहीं जानता है कि क्या इमोशनल स्टेटस था क्या फीलिंग था और उसी फीलिंग को दोबारा 2025 में नहीं होने देंगे अपने साथ इसीलिए डे वन से सीरियस रहिए और एग्जैक्टली राइट काइंड ऑफ अप्रोच को क्लाट एग्जामिनेशन के लिए पकड़िए कम एंड हरी एंड ज्वाइन क्लार्ट मिनी प्रोग्राम एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट